प्रणत और सुंदर साज। कीर्तन ग्रंथ का ये 95 प्रकरण कहीं न कहीं हमारी आत्मा को झकझोरने वाला है। इसकी पहली चौपाई है, सोई सुहागिन धाम में जो करसी इति रोशन, तौल मोल दिल मावक देसी सुख सबन। कहने के लिए तो ये शब्द बहुत सरल लगते हैं, लेकिन सबकी परीक्षा इसी एक चौपाई में हो जाती है। सोई सुहागिन धाम में जब हम परात्म में उठेंगे, तो जिसने इस जागने के ब्रह्मांड में अपने परम धाम की गरिमा के अनुसार आचरण किया होगा, वो राज्य के सम्मुख सिर उठा पाएगी। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, सबसे बड़ा कार्य क्या है? इत रोशन, अपने प्राणेश्वर को यहाँ जाहिर करना है। सारा संसार तो अज्ञानता में फंसा हुआ है, क्योंकि अज्ञान से पैदा हुआ है। इस संसार में आप चारों तरफ घूम आइए, सभी तीर्थों में, किसी भी पंथ के तीर्थों, अक्षरातीत की पहचान कराने वाला कौन है? उनका साक्षात्कार का मार्ग बताने वाला कौन है? सारा संसार तो नींद में पड़ा है, और ब्रह्मसृष्टियों का यह उत्तरदायित्व है कि जब उन्हें तारतम ज्ञान का प्रकाश मिल चुका है, तो अपने प्राण वल्लभ को संसार में उजागर करते हैं। कि कहते हैं, किसको अक्षरातीत, कैसा है अक्षरातीत, कैसे हम उसको पाएं? संसार जो पत्थरों की पूजा कर रहा है, आप देखिए सावन का महीना शुरू हो गया। अब श्रद्धा के बसबूत हिंदू शालिग्राम की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भागे फिर रहे हैं। उन बेचारों को कोई समझाने वाला नहीं है कि सच्चा शिव क्या है। सच्चा शिव तो अनंत ब्रह्मांडों का निर्माता है, और तुम तो केवल शिवलिंग पर जल गिरा देते हो, सोचते हो कि हमारी भक्ति पूरी हो गई। इन बेचारे भोले भाले हिंदुओं को कौन बताएगा? आतंक की राह पर जो निकल पड़े हैं इस्लाम का झंडा लेकर, उनको कौन समझाएगा? उनको परम धाम से कोई लेना देना नहीं, अक्षरातीत से कोई लेना देना नहीं। परम धाम की यह ब्रह्मवाणी सारे संसार को प्रकाशित करने के लिए आई थी, लेकिन एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह गई है। इसके लिए दोषी कौन है? हम। तौल मोल दिल माफक, तौलना, तौलना किसको कहते हैं? मूल्यांकन करने को। मोल करना क्या है? हम मूल्यांकन करें कि हमारा दिल जैसा है उसके अनुसार ही हम तौलें, मूल्यांकन करें। और मोलना, मोलना का अर्थ क्या है? आत्मसात करना। हमारा जो परम धाम का दिल है, प्रेम से भरा है। क्या हमारे अंदर इस समय राज्य के लिए प्रेम है? हमारा हृदय ईमान से भरा होना चाहिए। क्या हमारे अंदर राज्य के लिए अटूट ईमान है? जब माया के थपेड़े हैं, जब हमें लगते हैं, तो क्या वैसे ही ईमान हमारा बना रहता है? जब हम सुख के समय होते हैं तो ईमान बना रहता है? यह मूल्यांकन करने की बात है, तौलने की बात है। हमने कितना मूल्यांकन किया? ईमान का कितना मूल्यांकन किया? इश्क का मूल्यांकन किया? श्रद्धा का मूल्यांकन किया? समर्पण का मूल्यांकन किया? और उसको कितना आत्मसात किया? यदि हम इश्क की महिमा नहीं जानते कि राज्य के प्रति प्रेम की क्या गरिमा है। आज आप देखिए, हम सुंदर साथ तो अपने ऐसी घरों में बैठे हुए हैं, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं। हमसे पहले न जाने सतयुग में, त्रेता में कितने युग बीत गए। नारायण की भक्ति करने वालों ने तो अपने सोने के महलों को ठुकरा दिया, वृक्षों के नीचे रहे, झोपड़ियां बना कर रहे, गुफाओं में रहे, और आज हम परम धाम के ब्रह्मुनि कहलाते हैं, ब्रह्मात्मा कहलाते हैं, अक्षरातीत के अंग कहलाते हैं, और कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु शिव तो हमारे खिलौने हैं। हम अपनी महिमा तो अपने मुंह से गा देते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? ब्रह्मा विष्णु के भक्तों ने तो हमसे ज़्यादा त्याग कर दिया है। वे तो नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शिव को पाने के लिए कठोर साधनाएँ करते हैं। हम तो 2 घंटे चितवनी नहीं कर पाते, 1 घंटे चितवनी नहीं कर पाते। ब्रह्मा विष्णु शिव को छोड़िए, जो बुद्ध के अनुयायी बने, महावीर स्वामी के अनुयायी बने, जो निराकार से आगे कुछ नहीं जानते, न जाने कितने राजपूत राजकुमारों ने अपना घर द्वार छोड़ा, सब निकल पड़े, घर घर भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा मांग करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं,
और बरसात के मौसम में देखिए हम तो ऐसे कमरों में रहते हैं जिसमें एक कीड़ा भी पतंगा भी नहीं घुस सकता, वे झोपड़ियों में गुजारा कर रहे हैं, स्वयं भगवान बुद्ध झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं, मच्छर तो उनको भी काटते होंगे, धूप शीत वर्षा उनको भी लगती होगी, लेकिन नहीं, एक सत्य के लिए उन्हें अपना जीवन त्याग दिया। पैरों में कभी बुद्ध ने खड़ाऊ तक नहीं पहनी, चप्पल नहीं पहनी, नंगे पैर नंगे सिर, बड़े बड़े राजकुमार, और हम क्या कर रहे हैं? सच ये है, हमारा ईमान, हमारे आस्था, हमारा समर्पण, हमारा प्रेम संसार के जीवों से बहुत पीछे है। इस चौपाई, इस प्रकरण की पहली चौपाई में कह दिया है, सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन। हम सुख सुविधाओं में रहकर भी अपने राज्य को जाहिर कर देते तो भी हमारा सिर परम धाम में ऊंचा उठता, लेकिन बताइए 300 से ज्यादा वर्ष बीत गए, हमने राज्य को कितना जाहिर किया है? तो के साथ कहना पड़ता है, दयानंद जी को तन छोड़े हुए कितने हुए होंगे? लगभग 125 वर्ष, और 125 वर्षों में आर्य समाज ने कितना कुछ कर दिया है। उन्होंने पूरे गुजराती में चारों वेदों की टीका की, उर्दू में चारों वेदों की टीका की, अंग्रेजी में की, हिंदी में की, संस्कृत में की। इस समय 5,000 उनके पास आचार्य हैं। दुनिया के हर देश में कहीं भी जाइए, दुनिया दयानंद को जानती है, प्रेरणा जी को कौन जानता है? सारे भारत के लोग भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हमने तो कोई प्रयास किया ही नहीं है, हम तो घर में बैठे कागजी शेर बने रहे, हमने दूसरों से घृणा सीखी है, दूसरों को तुच्छ दृष्टि से देखना है। लेकिन इस प्रकरण में बहुत कुछ कहा गया है। इस प्रकरण की 8वीं चौपाई में एक बात कही गई है, इस ईमान धनी धाम को और जो जागृत पहचान। अभी जो चौपाई पहले मैंने बोली थी उसमें कहा गया, उसके चौथे चरण में कहा गया है, देसी सुख सबन तौल मोल दिल माफक, देसी सुख सबन सारे ब्रह्मांड को सुख देने वाली है। लेकिन हम न राज्य की पहचान करा सकते हैं, न इसके ईमान पर पूरी तरह से दृढ़ता पूर्वक चल पाते हैं, न संसार को चला पाते हैं, तो हम कैसे सुख देंगे? अक्षरातीत के ज्ञान को हम ग्रहण करने में दूर हैं। हम क्या करते हैं? करोड़ों करोड़ों के मंदिर बना देते हैं, ऐसे मंदिर जिनसे ज्ञान नहीं मिलता, भक्ति की कोई चितवनी की धारा नहीं मिलती, केवल सेवा पूजा हो जाती है, उसी को सब कुछ हम मान लेते हैं। तो ज्ञान कैसे फैलेगा? अक्षरातीत की पहचान कैसे फैलेगी? न वाणी फैलेगी, न चितवनी फैलेगी, तो संसार को सुख कैसे मिलेगा? संसार में तो बड़े बड़े मंदिर हैं, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का था, संसार को क्या मिला? एक गजनवी आया, गदा से तोड़ दिया और हीरे जवाहरात लूट करके लेकर चला गया। हम आज ये भी सोचते हैं कि हम अधिक से अधिक सोना चढ़ा दें, हीरे मोती जवाहरात चढ़ा दें, राज्य खुश हो जाएंगे। राज्य इससे खुश नहीं होंगे। आपने संसार के लोगों में ईमान कितना भरा है, अटूट आस्था, आस्था अटूट समर्पण, अटूट प्रेम न तो हमारे हृदय में है, न हम संसार के लोगों को सिखा पाए हैं, और सच्ची पहचान भी नहीं जब बता पाए हैं, तो संसार को हम सुख नहीं दे पाएंगे। न हम सुखी हैं, न दूसरों के लिए सुख का रास्ता खोल पा रहे हैं। यही हमसे सबसे बड़ी भूल हो रही है। जब राज्य के सामने हम अपनी परात्म में अपनी आंखें खोलेंगे, तो बताइए हम क्या राज्य को बताएंगे कि राज्य 400 वर्षों में हम कुछ नहीं कर पाए, हम आपको भी जाहिर नहीं कर पाए संसार में पूरी तरह से। हम तो कभी मंत्र के लिए लड़ते रहे, कभी किसी बात के लिए लड़ते रहे। इस चौपाई में कहा गया है, इश्क ईमान धनी धाम को, हमें किसको, किसका मूल्यांकन करना है? इश्क का। क्या हमारे हृदय में राज्य के लिए सच्चा प्रेम है? ऐसा प्रेम जिसमें कभी विकृति ना हो। यदि राज्य ने आपको करोड़पति बना दिया, तो आप क्या सोचते हैं कि राज्य की मेहर कितनी हो गई, देखिए मैं करोड़पति बन गया, सबसे कहते फिरते हैं। कहीं लालदास जी की तरह आपका हाल हो गया कि करोड़पति से कंगालपति आप बन गए, तो सबसे बुराई करते फिरेंगे, पता नहीं, इससे अच्छा तो हनुमान जी के भक्त थे, कम से कम माया तो साथ रहती थी। अब माया ने आपका सुख ले लिया, तो आप राज्य को उलाहने दे रहे हैं। लालदास जी ने कभी उलाहना नहीं दिया। लालदास जी को क्या लगा कि हो सकता है इस राज्य इसमें कुछ भला चाहते हो। ब्रह्म सृष्टि क्या है?
ब्रह्म सृष्टि तो वह है जिस जो राज्य की इच्छा को सर्वोपरि माने। वो मेर सागर का गोटा लेकर नहीं बैठ जाएगी कि राज्य हमारा धन कम हो गया है, अब थोड़ा 1 करोड़ का और धन दे दो। लालदास जी ने कभी नहीं किया, उन्होंने तो प्रण लिया कि चलिए सारा व्यापार चला गया, घर द्वार चला गया, लालदास संग चले खाली लेकर हाथ। एक लोटा तक नहीं था कि घर से निकले तो साथ में एक लोटा लेकर के चले, लेकिन अपना जीवन सौंप दिया श्री जी के चरणों में। परिणाम क्या हुआ, आज सारा निजानंद का जगत सब सुंदर साथ लालदास जी के नाम पर नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं को निछावर किया। उनके हृदय से ईमान माया नहीं ले पाई, राज्य के प्रति जो प्रेम था उसको माया नहीं ले पाई। वही है इश्क ईमान धनी धाम को, हमारी सबसे बड़ी जो शक्ति है वह है इश्क और ईमान। अटूट विश्वास हो हर पल। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, कई बार मैं सुना भी चुका हूँ, पुनः प्रसंग के अनुसार सुना देता हूँ। रावण ने सीता के सामने माया का एक राम बनाया और उस राम की गर्दन काट दी। कुछ समय के लिए तो सीता को लगा कि क्या रावण इतना शक्तिशाली है जो मेरे प्रीतम को भी मार सकता है, लेकिन पुनः सीता को दृढ़ता है कि नहीं, ये पापी रावण मेरे आराध्य राम को कभी भी मार नहीं सकता। आप सोचिए, जो माया की राम की मूर्ति बनाया था उसमें और वास्तविक राम की मूर्ति में कोई अंतर नहीं था, लेकिन सीता का अटूट विश्वास है कि मेरे आराध्य को रावण जैसा प्राणी कभी भी मार नहीं सकता है। राज जी ने कितनी बार कहा है कि परमधाम की आत्माओं तुम मेरे तन हो और मैं तुम्हारे धाम हृदय में रहता हूँ, सहरक से नज़दीक। क्या हमको विश्वास होता है? नहीं। तुम मेरे तन हो इस पर भी विश्वास नहीं, राज्य हमारे प्राण की नली से निकट है इस पर भी विश्वास नहीं। हम अपनी दृष्टि संसार में खोलते हैं तो अपनी तुलना करने लगते हैं कि अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारा पड़ोसी ज़्यादा बड़े पद वाला है, पैसे वाला है, हम तो कुछ भी नहीं, हम ब्रह्म सृष्टि कैसे हो सकते हैं। आपको जरा सा कष्ट आया आपका ईमान का महल गिरने लगता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी संकट की घड़ी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी आस्था में, हमारे प्रेम में, हमारे विश्वास में डगमगाहट नहीं होनी चाहिए। यदि हम इसमें कमी आती है तो इसका तात्पर्य यह है कि हम ब्रह्म सृष्टि की महिमा को कलंकित कर रहे हैं। इसके ईमान धनी धाम को और जोश जागृत पहचान। जोश का तात्पर्य क्या है? जोश शब्द अरबी का है, हिंदी में इसको आवेश अवश्य कहते हैं। भाषा की दृष्टि से जोश और आवेश एक है। आवेश का अर्थ होता है जो प्रविष्ट हुआ हो, जोश का अर्थ होता है शक्ति से तात्पर्य, किंतु स्वरूप की दृष्टि से दोनों अलग अलग है। जहां राज्य के जोश की बात कही जाती है वो अक्षर का आवेश है, उसको जबराइल कहते हैं। राज्य के आवेश का तात्पर्य राज्य का निज स्वरूप। काल परम धाम से बाहर चाहे युग माया हो चाहे काल माया का ब्रह्मांड हो, राज्य का निज स्वरूप जो क्रीड़ा करता है उसको आवेश स्वरूप कहते हैं। अक्षर का जो आवेश स्वरूप है वो जिब्रील कहलाता है, क्योंकि राज्य के सत अंग की वो शक्ति है। किसी भी शब्द का अर्थ हम उस ग्रंथ की मान्यताओं के आधार पर करते हैं। इश्क और प्रेम दोनों शब्द समानार्थक हैं। अरबी में जिसको इश्क कहते हैं, हिंदी में उसको, संस्कृत में उसको प्रेम कहते हैं। यहाँ साहित्य की दृष्टि और स्वरूप की दृष्टि दोनों एक हैं, किंतु जोश और आवेश के संबंध में हमें यह ध्यान रखना होगा कि जोश और आवेश साहित्यिक दृष्टि एक होते हुए भी भाषा के ये स्वरूप की दृष्टि अलग अलग है, क्योंकि वाणी में जहाँ भी जबराइल जोश धनी का कहा गया है, जिब्रील शब्द का जहाँ प्रयोग हुआ है, वह राज्य के सतंग अक्षर ब्रह्म के आवेश स्वरूप के लिए प्रयोग हुआ है। जोश जागृत पहचान हमारे हृदय में, राज्य के प्रति कितनी आस्था है, कितना समर्पण है, कितना विश्वास है, और राज्य का जोश हमारे पास किस तरह से कार्य कर रहा है। यहाँ जोश का क्या आशय लेंगे? कोई व्यक्ति कार्य करता है
तो उसके अंदर किसकी शक्ति आती है? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ रामायण के ही माध्यम से। हनुमान को लंका पार करनी है, कोई तैयार नहीं हो रहा है, सबके अंदर विश्वास की कमी है। जामवंत बुद्धि में हनुमान से कम नहीं है, बल की दृष्टि देखा जाए तो सुग्रीव भी हनुमान से कम नहीं है, लेकिन एक चीज की कमी है, जो भक्ति का रस हनुमान के पास है वो जामवंत और सुग्रीव और अंगद के पास नहीं है। इसलिए राम ने हनुमान को बुलाकर अंगूठी दी और कहा कि हनुमान ये काम तुमसे होगा। जब राम हनुमान को भेज रहे हैं तो हनुमान के साथ किसकी शक्ति कार्य करेगी? राम की कार्य करेगी। बस इतनी सी बात समझ लीजिए। यदि जामवंत को भेज देते तो जामवंत से काम नहीं हो सकता था, क्योंकि जामवंत में वो श्रद्धा वो समर्पण नहीं है जो हनुमान में है। श्रद्धा है लेकिन हनुमान के बराबर नहीं। शक्ति में सुग्रीव हनुमान से कम नहीं है, लेकिन सुग्रीव में वो श्रद्धा समर्पण भक्ति का रस नहीं है जो हनुमान में है। इसलिए शरीर चल रहे हनुमान का, शक्ति कार्य किसकी कर रही है? राम की। उसी तरह से यदि आपके हृदय में राज्य के लिए अटूट प्रेम आ जाए, अटूट समर्पण आ जाए और आप सबके सुख के लिए कार्य करें तो आपके अंदर किसकी शक्ति कार्य करेगी? राज्य की। बस इतनी सी बात समझ लेनी है। आपके अंदर राज्य का जोश कब आएगा? जब आप सबके लिए बन जाइए, सबके कल्याण के लिए बन जाइए, अपने आराध्य के लिए, अपने प्राण जीवन के लिए बन जाइए। जब आप अपने केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कार्य करेंगे तो राज्य के जोश की शक्ति आपके साथ नहीं जुड़ेगी। जागृति और पहचान, हम कितने जागृत हैं? हमने राज्य की पहचान क्या की है? हमने तो राज्य को एक देवता बना रखा है। मेरी बातें कई चीजें बहुत कड़वी होती हैं, लेकिन ये कहनी इसलिए पड़ती है क्योंकि हम ऐसे कार्य न करें जिससे राज्य की गरिमा पर आघात होता है। आप सोचिए, देवी के मंदिरों में, देवताओं के मंदिरों में नारियल चढ़ाते हैं, हमने भी नारियल चढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे उनकी सेवा पूजा होती हम भी करते हैं, करिए, अच्छी तरह से कीजिए, मैं कभी विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने आराध्य को सबसे अलग मानिए। वो आपका प्राणेश्वर है, प्राण प्रीतम है, आपके प्राण की नली से भी अधिक निकट है। उसको संसारिक देवी देवताओं जैसा स्थान तो न दीजिए कि जरा सा कुछ कष्ट हुआ, गोटा मेर सागर का गोटा पारायण करने लगे, परिक्रमा करने लगे, नारियल चढ़ाने लगे। अरे भाई, नारियल से क्यों खरीदना चाहते हैं अपने प्राणेश्वर के प्रेम को? अपना हृदय देकर क्यों नहीं करते कि मेरे आराध्य, मैं अधीन करनी नहीं बांग रे की लाज, मैं आपके अधीन हूँ, मेरी कोई करनी नहीं रहनी नहीं, मैंने अपनी बांह पकड़ाई है तो इसकी लाज रखना। ये समर्पण से आप सच्चे हृदय से क्यों नहीं कह देते? तहकीक अर्ज पहुँचे थे जो भेजिए पाक दिल, हमारे हृदय में वो रहता है, उसको 15 रुपये का नारियल देकर के आप खरीदना चाहते हैं जो देवी के मंदिर में आप करते हैं, मिठाई के एक पैकेट पर आप खरीद लेना चाहते हैं, प्रेम नहीं है आपके पास। तो इसका तात्पर्य आप परम धाम की प्रेम की हंसी उड़ा रहे हैं। जैसे दुनिया वाले करते हैं वैसे आप भी करते हैं। चूंकि मंदिरों में प्रक्रिया चलती है, मैं कहता हूं तो सुंदर साथ को लगता है कि मैं खंडन कर रहा हूं। भाई, मैं खंडन क्यों करूं? क्योंकि किंतु ये दुनिया वालों की रीति है जो आप कर रहे हैं, ये परम धाम की रीति नहीं है। आप अपने अधिकार से अपनी बात कहिए कि राज्य ये कौन करेगा, आपको करना है, लेकिन अपना हृदय तो दे दीजिए। हृदय देते नहीं है। आप एक नारियल चढ़ाकर करोड़ रुपये कमाना चाहते हैं? ये तो व्यापार है, विशुद्ध व्यापार, इसमें प्रेम नहीं, समर्पण नहीं। तौले धनी धन धाम का, यूं कहे कुरान निशान। राज्य का धन क्या है? ये तारतम्य ज्ञान ही परम धाम का सबसे बड़ा धन है। मैं सब में तौलिया तारतम्य सबका सार। तारतम के रूप में कौन आया है? ज्ञान। ज्ञान ही तो पहचान देता है। ब्रज में राजी हमारे साथ थे, क्या हमने पहचाना? पहचान नहीं तो सुख नहीं लिया, तभी तो कह दिया कि हम पर पुरुष के साथ भला क्यों जाएं। रास में भी अधूरी पहचान है, पूरी पहचान नहीं। वैद्य की पहचान होती तो केसर भाई इंद्रावती में झगड़ा ही क्यों होता? युग में भी लड़ाई चल रही है और कह रहे हैं कि राजी आपको सारा चप्पे चप्पे खोज डाला, आप तो कहीं दिखे ही नहीं। परम धाम में रहते हुए भी राज्य की पहचान नहीं थी हमारे पास।
यदि पहचान होती तो इस कर्म ही नहीं होता। वह पहचान देने के लिए तो वाणी आई है, वह वाणी जिसको हमने रोग आकर अब हिंदी में प्रकाशित किया है, थोड़ी बहुत टीकाएं लिखी है, लेकिन हमारी ऊर्जा जो लगनी चाहिए संसार को वाणी का ज्ञान देने में लगनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम संसार को परम धाम का ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, वाणी का ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। हम एक एक चौपाई की व्याख्या में स्वयं लड़ रहे हैं कि देखिए मेरी व्याख्या अच्छी है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, केवल वाणी का ज्ञान मेरे पास है और मैं महामती के समान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। ये कौन बोल रहा है? हमारा अहंग बोल रहा है, भौतिक ज्ञान का अहंग बोल रहा है। हमारे पास इश्क नहीं, ईमान नहीं, श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, हम अपने अहंकार का ही तो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि पूरे समाज में हमारे जैसा कोई नहीं। और आप सोचिए, हमने तो अपनी भक्ति का भी नाटक करना शुरू कर दिया। हम कहते हैं कि पूरे समाज में हमारे जैसी कोई साधना नहीं कर सकता, हमारे जैसा कोई प्रेम नहीं कर सकता। तो हमारी साधना, हमारा प्रेम, हमारी प्रेम लक्षण भक्ति तो उसी दिन कलंकित हो जाती है जिस दिन हमने अपना अहंग ले लिया कि हमारे जैसा कोई नहीं। ब्रह्मसृष्टि का तात्पर्य क्या है? जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान, इन जागे का फल यही है कोई चेतो चतुर सुजान। जागृति का अर्थ क्या? रेणु समान हो जाना। हमारे पास जो ज्ञान है किसका दिया हुआ है? राज्य का। कितनी किताबें हम लिख डालते हैं कि उसने गलत लिखा है, उसने गलत लिखा है, केवल मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। आपको जो ज्ञान दिया गया है वो राज्य की कृपा से आया है। आप उस ज्ञान को लेकर विवाद न खड़ा कीजिए, उस ज्ञान को सबके कल्याण के लिए बांटिए। आप राज्य के प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह मत कहिए कि मेरे जैसा कोई राज्य से प्रेम नहीं कर सकता, मेरे जैसी कोई साधना नहीं कर सकता। ये बातें अहम पैदा करती हैं, और जहाँ अहंग की ग्रंथि आई वहाँ ज्ञान भी दुर्गंधित हो जाता है, वहाँ प्रेम की सुगंध चली जाती है, क्योंकि अहंकार एक सबसे बड़ा पर्दा है। हम सब कुछ राज्य को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन हम सौंप देंगे उस दिन तो हमारे मुख बंद हो जाएंगे, हमेशा के लिए हमारी जीवा पर ताले लग जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी ने कभी नहीं कहा है कि मेरे पास इतनी शक्ति है। उनको क्या लगता है कि मेरे हृदय में राम रहते हैं, इसलिए राम की शक्ति मेरे साथ है। हम ये कहना नहीं चाहते। एक रटा रटाए वाक्य जरूर कह देते हैं, राज्य के हुक्म से, राज्य के हुक्म से, क्योंकि हमको सिखा दिया गया है। जैसे आतंकवादी कहते हैं ना, इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान को निश्चय नबूद कर देंगे, तो पूछा जाएगा उनका अल्लाह ताला हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए है क्या? तो अल्लाह ताला है या शैतान है? जो दूसरों को बर्बाद करे उसको अल्लाह ताला थोड़े कहते हैं, लेकिन उनको रटा रटाया एक ही वाक्य आता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पाप भी करेंगे तो कहेंगे कि इंशाअल्लाह मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सोचते नहीं कि अल्लाह किसी को मारने के लिए नहीं है, किसी का बुरा करने के लिए नहीं है, वो तो दया का सागर है, प्रेम का सागर है। हम भी राज्य को सामने खड़ा कर देते हैं और अपने हृदय में अहंकार की एक ज्वाला धधकाते रहते हैं, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो, चाहे सेवा से संबंधित हो, भक्ति से संबंधित हो, प्रेम से संबंधित हो। इसका तात्पर्य क्या है? हमने समर्पण नहीं सीखा। हम सब कुछ उनको सौंप दें कि उनकी कृपा दृष्टि से, उनकी कृपा के सागर की एक बूंद हमारे हृदय में आई है जिससे मैं कुछ कह पा रहा हूँ, कुछ ध्यान कर पा रहा हूँ, कुछ सेवा कर पा रहा हूँ। आप सोचिए, आप इस झूठे संसार में आए हैं तो संसार तो आपको एक आशा की नज़र से देख रहा है, संसार आपको एक आदर्श मानना चाहता है, लेकिन हम दूसरों के लिए आदर्श कब बनेंगे? जब प्रेम में, श्रद्धा में, समर्पण में सबसे अधिक अग्रगण्य हो जाएंगे। यदि हम चितवनी की प्रक्रिया में लग गए हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि आराधना की ये सर्वोच्च मंजिल है। यदि आप कर्मकांड करते हैं या मानसिक उपासना करते हैं तो आपका मन भटक सकता है, लेकिन चितवनी करने वाले से समाज एक बहुत बड़ी आशा रखता है। क्यों? क्योंकि जो कर्मकांड की पहली कक्षा है वो सामान्य लोगों के लिए होती है। जो तरीकत उपासना का मार्ग है जिसमें मानसिक उपासना की जाती है वो दूसरी कक्षा होती है, उससे ऊपर की एक कक्षा है।
किंतु चितवनी का मार्ग तो हकीकत और मार्फत का मार्ग है, जिसमें अपने प्राणेश्वर की छवि को अपने हृदय में बसाया जाता है। प्रेम का विशुद्ध मार्ग चितवनी का है। इस पर यदि आपने अपने कदम बढ़ा दिए तो याद रखिए, जो व्यक्ति जितनी ऊंची शोभा को लिए होता है उसको कदम कदम पर फूंक करके अपने पांव रखने पड़ते हैं। विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, दधीचि तपस्या कर रहे हैं, निमि ऋषि तपस्या कर रहे हैं, एक रंभा आती है, एक मेनका आती है, एक उरुषि आती है, उरुषि दधीचि की तपस्या को समाप्त कर देती है, रंभा निमि की तपस्या को समाप्त कर देती है, मेनका विश्वामित्र की तपस्या को समाप्त कर देती है, फिर भी ये ऋषि मुनि पुनः साधना में लग जाते हैं। वो अहंकार नहीं करते कि मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं है। आप सोचिए, वे साधना के मार्ग पर चल रहे हैं। माया डुबो देती है, कभी भी पैर फिसला सकती है। कहीं ना कहीं कुछ अहंकार खड़ा हुआ होगा, कहीं प्रेम में कमी होगी, जिसके कारण रंभा मेनका और उर्वशी शक्तिशाली हो गई, आपके साथ हर पल राजी है। आप यह सोचिए कि आप केवल समर्पण सीख लीजिए, सब कुछ राज्य को सौंप दीजिए। आप अपने मुख से कभी मत कहिए कि ज्ञान में मेरे जैसा कोई नहीं, साधना में मेरे जैसा कोई नहीं, समर्पण में मेरे जैसा कोई नहीं। आप यह कीजिए कि राज्य की कृपा से मैं साधना के कुछ कदमों पर चल पड़ा हूँ, प्रेम के कुछ कदमों पर चल पड़ा हूँ, और धाम धनी बस बांग रहे की लाज, एक चरण को याद किए रहिए। आपकी नौका आसानी से पार हो जाएगी भव सागर से, आपके ऊपर कभी माया के दाग के छींटे नहीं लगेंगे। किंतु यदि आपने अहंकार की ग्रंथि कुछ भी पाल ली तो कहीं ना कहीं आपका पैर फिसल सकता है। संसार क्या कहेगा कि आप तो इतनी चितवनी करते थे, आप क्यों भटक गए? भटकाव कहां से होता है? जो अपना सब कुछ राज्य को सौंप देगा, मैंने कई बार दृष्टांत दिया, एक छोटा बच्चा जब अपनी उंगली अपने पिता के हाथ में पकड़ा देता है तो उछलता कूदता चलता है, उसको जरा भी चिंता नहीं होती कि सामने सर्प है, बिच्छू है या गड्ढा है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अपना हाथ अपने पिता के हाथ में पकड़ा रखा है और वो मेरी पल पर रक्षा करेगा। संसार का पिता जब अपने अपने शिशु की रक्षा करता है तो आप कौन हैं? आप तो साक्षात अक्षरातीत के तन हैं, उनके अंग हैं। कभी आपने सोचा है, बड़ी बड़ाई इनकी या की सिफत करे सुभान, राज्य आपकी महिमा गाते हैं। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, बस अपना हृदय राज्य को दे देना है। और जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, माया आपसे भागती नजर आएगी। जिस क्षण आप ये ले लेंगे कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि आप किसको छोटा दिखा रहे हैं? परमधाम की आत्माओं को। आप सोचिए, राजी ने क्या कहा है, धनी न देवे दुख तिल देता, जो देखिए बचन बिचारी जी, दुख अपन को जो होता है सो माया करत है बारी जी। हमें माया में दुख देखना पड़ता है तो माया का दुख क्यों आता है? क्योंकि हमारे और धनी के बीच में कुछ पर्दा आ जाता है, हमारे प्रेम में कमी आती है, हमारे समर्पण में कमी आती है। जिस क्षण हमारा प्रेम और समर्पण परिपक्व रहेगा तो परिणाम क्या होगा, हम कदम दर कदम आगे बढ़ते जाएंगे। माया अपने आप हमारे चरण कमल जहाँ पड़ेंगे माया कोसों दूर भागती हुई नजर आएगी। लेकिन जहाँ हमने दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास किया, तुक समझना शुरू किया, अपने अंदर अहंकार की ग्रंथि पाल ली, राज्य की मेहर हटती जाएगी। वही बात कह रहे हैं, हम कौन हैं? साथ अंग सिरदार को, सिरदार धनी को अंग। ब्रह्मशिष्टियों के सिरदार कौन है? श्यामा जी। सात अंग सिरदार को, सुंदर सात किसके अंग है? श्यामा जी के। और श्यामा जी किसके अंग है? राज्य के। बीच सिरदार दो अंग के, करे न रंग को भंग। श्यामा जी का उत्तरदायित्व क्या है? करे न रंग को भंग। ब्रह्मशिष्टि का जो आनंद है उसमें कभी बाधा नहीं पहुंचने देती।
श्यामा जी हर ब्रह्मात्मा के साथ जुड़ी है, राज जी हर ब्रह्मात्मा के साथ जुड़े हैं। हम तो सोच लेते हैं कि हमने जो मंदिर में मुकुट बना करके रख दिया वही राज जी श्यामा जी, यही तो भूल हो जाती है। वो तो प्रतीक है वाणी के ऊपर, श्रृंगार के रूप में राज जी श्यामा जी हमने बना लिया है। राज जी श्यामा जी तो अखंड रूप से हमारे धाम हृदय में रहते हैं, एक पल के लिए भी न कभी अलग थे, न हैं, न कभी होंगे। ये बात परमधाम में भी हमें नहीं मालूम थी, ब्रज में भी मालूम नहीं थी, रास में भी मालूम नहीं थी। जागने के ब्रह्मांड में जब खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी उतरी है तब हमको पता चला है। जब हम अंतर्दृष्ट से देखते हैं तारतम वाणी के प्रकाश में तो लगता है कि मार्फत के स्वरूप से तो राज जी हर पल हमारे साथ रहे हैं, चाहे ब्रज हो, चाहे रास हो, चाहे जागनी के ब्रह्मांड हो। भले ही तारतम ज्ञान का प्रकाश मिलने से पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते रहे हों, अंधकार में भटकते रहे हों, इस संसार में देखा जाता है कि कोई बच्चा गलती करता है तो उसका पिता भी उसको निष्कासित कर देता है घर से कि तुमने शराब पी, दुराचार किया, मैं तुम्हें घर में रहने नहीं दूंगा। लेकिन न जाने हम पर्दे के पीछे कैसे कैसे पाप कर जाते हैं, फिर भी राज जी हमको छोड़ते नहीं हैं, छोड़ भी कैसे सकते हैं। चंद्रमा अपनी शीतलता को कैसे छोड़ सकता है, शक्कर अपनी मिठास को कैसे छोड़ सकती है, सागर अपनी लहरों को नहीं छोड़ सकता, तो अक्षरातीत भी हमारे पापों को नहीं देखते, किंतु हम राज जी के प्रेम को नहीं देखना चाहते। हमारे गुनाह पर गुनाह होते रहते हैं, राज जी मुस्कराते देखते रहते हैं, हमें इसलिए क्षमा करते हैं कि क्या करें, ऐसे जीव पर बैठी हैं जो गुनाह करती जा रही हैं। तो आप सोचिए हमें इसका प्रत्युत्तर कैसे देना होगा। हम केवल इतना कर सकते हैं, श्री मोहम्मद कहे ए मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियाँ, आओ मैं मारे किलार। हम अपने अहम को छोड़ दें कि हमने इतनी साधना की है, इतनी पढ़ाई की है, इतना ज्ञान है, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद कर लें कि मैं तो तुम्हारी कियल, मैं के मेरी आत्मा केवल आपकी है, और सब कुछ हमारा तन, हमारा मन, सब कुछ केवल आपका है। जिसमें तेरी रजा है मेरी भी उसी में रजा है। हम मेहर सागर के गोटे लेकर के भीख ना मांगना शुरू कर दें, साले चढ़ाकर, बागे चढ़ाकर, मिठाई के पैकेटे चढ़ाकर, जो भीख मांगते हैं, जो देवी देवताओं के सामने दुनिया के भक्त मांगते हैं, हम भी वैसे ही भक्त बन जाते हैं। माया की इच्छा पूरी हो जाती है फिर राजी से मुंह मोड़ लेते हैं कि चलो अब तो हमारी कामना पूरी हो गई। प्रेम में कोई कामना नहीं होती, प्रेम तो हृदय को लुटाना जानता है, प्रेम कुछ मांगता नहीं है। सब कुछ लुटा देने के बाद भी प्रेम मुस्कराता रहता है, कोई चाहत नहीं करता, एक तिनका भी पाने की इच्छा नहीं करता। हम भी राज्य से तो कुछ नहीं यदि मांगते हैं तो वही सच्चा प्रेम है। कोई ज्ञान मांगता है, कोई साहबी मांगता है, कोई परम धाम को देखना चाहता है, कोई कुछ मांग, कोई चमत्कार दिखाने की शक्ति मांगना चाहता है। राज्य से राज्य को कोई नहीं मांगना चाहता, यही सबसे बड़ी भूल हो जा रही है। कल क्या होगा, हम अपना हृदय तो दे दें, वो करेगा। जिसने जिस अक्षर के संकल्प मात्र से अनंत सृष्टि बनी है, उसका जो प्रीतम है, उसका उसको मालूम नहीं है कि क्या कल होना है। माता के स्तन में बच्चे के जन्म लेने से पहले जो नारायण दूध भेज देता है, उस नारायण से भी परे अक्षर है, अक्षर से भी परे अक्षरातीत है, उसके अंग हम हैं। हम सोचते हैं कि हम पोते पोतियों के लिए कर जाएं, इनके लिए कर जाएं, इनके लिए कर जाएं। अरे भाई, अपनी आत्मा के लिए आपने क्या किया है? सृष्टि चलती है, चलती रहेगी, जिस दिन हमारा शरीर नहीं रहेगा उस दिन भी चलती रहेगी। लेकिन सोचते हैं कि हम ही चला रहे हैं, क्योंकि हमारे जीव का अहम भाव खड़ा हो जाता है। हम अपना हृदय राज्य को दे नहीं पाते, इसलिए ये सारी भ्रांतियां बनी रहती हैं। बीच सिरदार दो अंग के करे न रंग को भंग। श्यामा जी कभी भी यह सहन नहीं कर सकती कि ब्रह्म सृष्टियों को जो आनंद मिल रहा है वाणी का, चितवनी का, उसमें कभी भंग पड़े। मैं वही बात कह रहा था कि जो सुंदर साथ चितवनी का मार्ग अपना चुके हैं, संसार उनसे बहुत बड़ी अपेक्षा रखता है। विश्वामित्र हो या निमि ऋषि हो या दधीचि हो, उन्होंने साधना की, तपस्या की,
ऐसे साध्य को पाने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो साधना कहते हैं। चितवनी को भी साधना का ही एक रूप माना जा सकता है, लेकिन वो प्रेम की साधना है। ऋषियों ने कठोर साधनाओं से शरीर को कष्ट दिया, मन को कष्ट दिया, प्रेम नहीं किया। प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई। इत ब्रह्म सृष्टियों के आने से पहले इस दुनिया में प्रेम का स्वरूप क्या है पता ही नहीं था। अपनी इंद्रियों को जीत कर सबने चाहा कि हम परमात्मा को पा जाएं। दधीची ने चाहा, निमि ऋषि ने चाहा, निमि ऋषि के नीम की छाल लिया करते थे। विश्वामित्र ने सोचा कि मैं वशिष्ठ ऋषि की तरह मैं भी ब्रह्मर्षि क्यों नहीं बन सकता। कठोर तप किया, तपस्या तो किया, शरीर को साधनाओं में डाला, मन को विकारों से दूर रखने का प्रयास किया, किंतु हार गए। क्योंकि यदि प्रेम कर लिए होते तो कभी भी रंभा, मेनका, उर्वशी से हारने का प्रश्न ही नहीं था। क्योंकि प्रेम की सुगंध जहां तक फैलती है माया वहां नहीं रह पाती है। प्रेम का तात्पर्य आकर्षण नहीं, किसी से लगाव नहीं। प्रेम का तात्पर्य जिसमें शरीर का कोई संबंध ही ना हो, आत्मा। आत्मा एक अक्षरातीत को चाहे उसको केवल प्रेम कहते हैं। संसारिक रिश्तों के आकर्षण को आसक्ति कहते हैं, स्नेह कहते हैं, मोह कहते हैं, उसको प्रेम नहीं कहते। हमारा किसी से लगाव हो जाता है, कहते हैं कि उससे हम प्रेम करते हैं। आप प्रेम करते हैं अवश्य, लेकिन परम धाम का प्रेम नहीं करते। आपका प्रेम तो राज्य के लिए होना चाहिए, राज्य के लिए आपका तन, राज्य के लिए आपका मन होना चाहिए। और जब आप चितवनी करते हैं तो चाहे एक घंटे करें, आधे घंटे करें, दो घंटे करें, आप राज्य को तो अपने हृदय में बसाने का प्रयास करते हैं। नख से सिख तक की शोभा को बसाना चाहते हैं। तो आप सोचिए, जो मार्ग नारायण को नहीं प्राप्त हो सका, ब्रह्मा विष्णु शिव को नहीं प्राप्त हो सका, आप उस मार्ग पर चल रहे हैं, तो संसार तो आपको एक आदर्श के रूप में देखना चाहता है कि आप परम धाम का ध्यान करने वाले हैं, राज्य श्यामाजी का ध्यान करने वाले हैं। आपके कदम माया की तरफ नहीं पड़ने चाहिए, किंतु यदि पढ़ते हैं तो आपको आत्मचिंतन स्वयं करना होगा कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। और ये चूक क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहंकार की ग्रंथि है। जिसने अपना हृदय दे दिया उसकी लाज कौन रखता है? राज्य। इंद्रावती की आत्मा ने राज के समय में जब वीरा की लीला हो रही थी, कृष्ण का वेश धारण किया और होठों पर बांसुरी रखकर बजाने लगी कि देखो सखियों, मैं पुकार रहा हूं, तुमको काल माया से योग माया में चलना है। जब नाटक लीला हो रही थी तब आप सोचिए, इंद्रावती प्रार्थना करती है कि प्राणेश्वर, मेरी लाज आपके हाथ में है। मैं आपकी तरह कृष्ण तो बन गई हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं कृष्ण नहीं हूं। और वही हुआ। अटूट विश्वास ने इंद्रावती के उस तन में जो कृष्ण बनी थी राज्य का आवेश प्रवेश करा दिया और विरह की लीला समाप्त हो जाती है। योग माया के ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं। आप काल माया के ब्रह्मांड में आप विश्वास वैसा नहीं रखते हैं कि राज्य हमारे प्राण हृदय में, हमारे धाम हृदय में रहते हैं, इसलिए राज्य आपसे दूर है। हर पल यदि आप अपने हृदय में वैसी भावना रखें, आप ये भी सोचिए कि हर पल आपको आप राज्य को देख रहे हैं, राज्य आपको देख रहे हैं, तो कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते। आप तो सोचते हैं कि राज्य तो मंदिर में बैठे हुए हैं या सेवा पूजा वहां पर रही है, यहाँ कौन देख रहा है, यही आपसे भूल हो जाती है। नास्तिक का अर्थ क्या होता है? जो सोचता है कि यहाँ राज्य नहीं है, यहाँ परमात्मा नहीं है, वही नास्तिक है। सबसे बड़ा आस्तिक क्या? जो हर कणकण में उसकी छवि को देखे, हर कणकण में जिस जो सत्ता का अनुभव करे कि प्रियतम हर पल हमारे साथ है, तो निश्चित है वही सबसे बड़ा आस्तिक होता है। महामती जी के धाम हृदय में बैठकर राज जी ने बहुत कुछ कहा है हमारी आत्मा को जागृत होने के लिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है, इत परीक्षा प्रगट, इत परीक्षा प्रगट, उठावे अपना भार। इस जागनी लीला में सबकी परीक्षा होने है। सुंदर साथ में जिसको अग्रगण्य बनाया है, ज्ञान की दृष्टि से, चितवनी की दृष्टि से, उन्हें अपना उत्तरदायित्व सहन करना होगा। यदि आप चितवनी करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, तो कुछ ऐसा बिल्कुल न कीजिए जिससे
संसार आपके ऊपर प्रश्न खड़ा करे कि अब तो माया में फंस गए हैं, क्योंकि आप सबसे बड़ा ऊंचा ज्ञान लेकर के चल रहे हैं, सबसे बड़ी उपासना पद्धति को जिसमें प्रत्यक्ष युगल स्वरूप का साक्षात्कार होता है आप वो कर रहे हैं। यदि आपने परमधाम की ब्रह्मनियों का मार्ग अपनाया है तो संसार आपसे वैसी ही अपेक्षा करेगा, और जो चितवनी का मार्ग है वो तो आत्मा और राज्य के प्रेम का मार्ग है, जिसमें शरीर को भुला दिया जाता है, मन को भुला दिया जाता है, जीव भी आत्मा का श्रृंगार करके खड़ा हो जाता है और जी भर कर निहारना होता है। शून्य समाधि में तो कुछ नहीं होता, वो तो ज्योतिर्बिंद का आधार लेकर के समाधि लगाई जाती है, चाहे गुफा में लगाइए चाहे वन में लगाइए। लेकिन चितवनी के मार्ग में तो नख से सिख तक प्रीतम के प्रेम में डूबा जाता है। संभव है आपको माया विचलित करेगी, आपके पांव लड़खड़ाएंगे उस प्रेम मार्ग पर चलते हुए, लेकिन अपना सर्वस्व समर्पण किए रहे ये कि राज जी मेरी लाज रखना आपका काम है, तो आप पर माया कभी भी भारी नहीं हो पाएगी। लेकिन जहां आपने अहंकार लिया कि मेरे जैसी कोई चितवनी नहीं कर सकता, मेरे जैसी कोई साधना नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई ज्ञान नहीं है, तो वहां से माया आपके पीछे लग जाएगी, यहां तक कि आपके सिर पर भी सवार हो जाएगी। इसलिए कहा है इत परीक्षा प्रगट उठावे अपना भार, बोझ निभाए साथ को और बोझ मसनंद भरतार। सुंदर साथ का उत्तरदायित्व क्या है? हम सुंदर साथ को ज्ञान का मार्ग दर्शाएं, परमधाम की वाणी से उनको परमधाम की राह दिखाएं, चितवनी का मार्ग दर्शाएं, ज्ञान के द्वारा सत्य की पहचान कराएं और प्रेम के द्वारा सत्य की प्राप्ति कराएं। बोझ मसनंद भरतार, राज्य की गादी कहाँ है? ऊपर तले अर्श न कया, अर्श कया मोमिन कलो। जहां राज्य ने महामती जी के तन से, श्री देवचंद जी के तन से लीलाएं की, उन स्थानों पर बड़े बड़े मंदिर बन गए, या किसी परमहंस ने कहीं जागनी लीला की, तो आज उस स्थान को गादी के रूप में देखा जाता है। लेकिन हम सबसे बड़ी जो भूल कर देते हैं वो ये भूल कर देते हैं कि राज जी ने अनंत काल से हमारे अपने हृदय में ही सिंहासन बना रखा है। हमारे तन छूटते जाते हैं, हमारी आत्मा किसी जीव पर बैठती जाती है, लेकिन हमारी आत्मा का जो हृदय है वो अनंत काल से राज जी का सिंहासन है। ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलो। तभी तो महामती जी पुकार कर कह रहे हैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है इताई करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। हमने सज्जा तो बढ़िया से तैयार की नहीं, हमारा हृदय माया में लगा होता है, तो मारफेर की दृष्टि राज्य उस हृदय में होते हुए भी कोसों दूर रहते हैं। हमें लगता है कि उस गादी की महिमा है, वहाँ चल करके चादर चढ़ा देंगे, कुछ मत्था टेक लेंगे तो ये मिल जाएगा। आप राज्य से तो राज्य को पाना नहीं चाहते, गादी पर जाते हैं मत्था टेकते हैं क्या पाने के लिए? कुछ धन पाने के लिए, संसारी कामनाओं के लिए तो आप जाते हैं, राज्य के लिए कौन जानता है। आप यदि सोच लेते कि सबसे बड़ा सिंहासन तो हमारी आत्मा के धाम हृदय में है, तो शायद आपको भटकना नहीं पड़ता। और सबसे कड़वी बात यह है कि जिन स्थानों की गादियों पर आपको विश्वास है उसको किसने बनाया है? एक बड़ई ने और एक लोहार ने, एक बड़ई ने एक दर्जी ने, दर्जी ने गादी बना दी, बड़ई ने तखत बना दिया, उसी पर सब मत्था टेक रहे हैं। अरे भाई कपड़ा खरीदा गया है, रुई खरीदी गई है, लकड़ी का तखत खरीदा गया है, कारीगर ने अपना काम कर दिया। आपका जो हृदय है, परात्म का हृदय है, उसको तो कोई नहीं बना सकता, राज्य भी नहीं बना सकते, क्योंकि राज्य का हृदय ही परात्म के हृदय में है। और आपकी आत्मा क्या है? परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है। हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब, इस चौपाई को हम भूल जाते हैं। मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी कुछ सुंदर साथ को, लेकिन आप सोचिए राज्य का सिंहासन कहाँ रहता है? उनकी आत्मा के हृदय में। हम सोने की भी गादी बना दें, मखमली गद्दी बिछा दें, तो क्या राज्य आकर बैठ जाएंगे? कभी नहीं। इसलिए तो सागर में कहा गया ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच साध स्वरूप जुगल,
जो परम धाम में अपने परात्म के दिल में हमारे हृदय में बसता रहता है, इस आत्मा के हृदय में भी हम तारतम का प्रकाश लेकर चितवनी के द्वारा उसको हृदय में बसाएं, तब तो हमारी आत्मा जागृत होगी। सूरत न दीजिए टूटने फिर जाइए बल बल, ये काम हमको करना चाहिए। और इसलिए कहा है कि अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ अंतराय। परात्म जैसी हमारी शोभा हो जाएगी यदि हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में चितवनी के द्वारा युगल स्वरूप को बसा लेते हैं। किंतु जब चितवनी के मार्ग पर हम चल पड़ते हैं तो हमें पहला कार्य करना होगा, हमारा पहला प्रेम राज्य के लिए, पति के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, संसारिक मित्रों के लिए नहीं, भाई बहनों के लिए नहीं, इनसे अपने रिश्ते निभाइए, लेकिन पहले राज्य। और उस प्रेम का बंटवारा यदि आप कर देते हैं, राज्य से बड़ा किसी को मान लेते हैं, राज्य से अधिक किसी से प्रेम करते हैं, तो आपका तो प्रेम कलंकित हो गया, आप मात्र औपचारिकता कर रहे हैं। और यहीं से अहंकार की ग्रंथि शुरू होती है। आप जब है नहीं तो अपना हृदय किसी को देने का अधिकार आपको कहाँ से मिल गया? आप जब राज्य के हैं तो राज्य से अधिक प्रेम दूसरों से क्यों करते हैं? आप मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, पाठ करते हैं, केवल दूसरों के लिए तो मांगते हैं ना, अपने परिवार के रिश्तों के लिए मांगते हैं, धन मांगते हैं, पद प्रतिष्ठा मांगते हैं, राज्य से राज्य को तो नहीं मांगते। ऐसी स्थिति में अहंकार खड़ा होगा, अहंकार खड़ा होगा, मोह पीछे पीछे चलेगा, तो माया तो दबोचती रहेगी। इसलिए कहा है ये तो पातशाही दीन की सो गरीबी से हो। आपको क्या करना होगा? आपको अपने अंदर विनम्रता लेनी पड़ेगी। चाहे राज्य ने अपनी कृपा से ही आपको संसार का सबसे बड़ा विद्वान बना दिया, फिर भी आप मत कहिए कि मैं संसार का सबसे बड़ा विद्वान हूं। विनम्रता ही महानता की कुंजी होती है। वृक्ष को देखिए, जितने फल लगेंगे उतनी डालियां झुक जाती हैं। जो जो गरीबी लीजिए साथ में, तो पाइए धनी को मान। आप विनम्र बनिए। आपको अरबोपति बना दिया राज्य ने, तो सुंदर साथ में अपने धन का अहंग न दिखाइए। आपको विद्वान बना दिया, तो विद्वता का अहंग न दिखाइए। आपको साधना में डुबो दिया, परमहंस बना दिया, तो भी ये परमहंस होने का अहंग न पा लीजिए। सब कुछ कहिए राज्य ने किया। परमहंस महाराज से रामरतन दास जी एक बात कहा करते थे हर चीज में, अरे सद्गुरु महाराज ने सब कर दिया, मुझ कंगाल को राजा बना दिया। कभी नहीं कहा कि मेरे पास इतनी शक्ति है। जिस पर मेहर की नजर कर दी, परम धाम दिखा दिया, लेकिन मुख से एक शब्द नहीं कहा कि मैं ये कर सकता हूं। यही कहा सतगुरु महाराज की कृपा होगी तो हो जाएगा। महामती जी के अंदर बैठे महामती जी ने क्या कहा? साहिब के हुक्म में ये वाणी गावत है महामत, उनकी कृपा से हो रहा है। मैंने वाणी को नहीं कहा, मैंने तो एक अक्षर नहीं कहा। आज जब विद्वानों की हालत देखी जाती है तो उनमें कितना संघर्ष चलता है। हर विद्वान कहेगा कि मेरे जैसा वाणी कोई नहीं जानता, मेरे जैसा कोई चर्चनी नहीं जानता। और यही सबसे बड़ी हंसी हो रही है। आपके अंदर ज्ञान कहाँ से आया? उसकी कृपा दृष्टि से आया। वह ज्ञान दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, वह ज्ञान दूसरों को मार्गदर्शन करने के लिए है। मुझे बहुत हंसी आती है जब कुछ महान विभूतियाँ मुझे बिहारी जी कहने लगती है, किताबें भी लिख डालती है और कहती है कि राजन स्वामी तो बिहारी जी है, ये है, वो है, मैंने जो लिखा है वो बहुत सच है। तो हंसी आती है कि इन बेचारे भूले भटकों को कौन मार्ग दिखाएगा? ये तो ज्ञान के कुछ बूंदों को पाकर के उतावले हो रहे हैं। जिस दिन परिपक्व ज्ञान आ जाएगा उस दिन तो हृदय बोलेगा, राजी ये ज्ञान तो आपका है, हमारा तो कुछ भी नहीं। हम तो ज्ञान के सागर में एक बूंद भी बन जाए, हमारा ये दिल बन जाए, तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। लेकिन हमसे ऐसा हो नहीं पाता। वाणी कह रही है ये तो पातशाही दीन की सो गरीबी से हो। यदि आप धर्म में अग्रगणी बनना चाहते हैं तो आप विनम्र हो जाइए। अपने ज्ञान का डंका मत बजाइए अहंकार का कि मेरे जैसा कोई नहीं। आप सेवा करते हैं तो सेवा का अहंकार मत लीजिए, चितवनी करते हैं तो चितवनी का अहंकार मत पालिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, अपने को बड़ा मत समझिए कि मेरे जैसा कोई नहीं। आप बड़े पद वाले हैं तो पद का अहंकार मत दिखाइए। यदि आप अहंकार करते रहेंगे तो आपका पद एक दिन छिन जाएगा, आपका धन का अहंकार भी छिन जाएगा, और ज्ञान की दृष्टि में से तो आज तक कोई पूर्ण हुआ ही नहीं है। और स्वांत सबुरी बिना कबहु न पावे कोई। दीन की पदशाही, धर्म में अग्रगणी होना चाहिए ये चाहते हैं आप, तीन चीजें कीजिए।
एक तो विनम्र होइए, किसी तरह का अहंकार न लीजिए, शांति रखिए, स्वांत, हर हालत में धैर्य बनाए रखिए। जो आपका प्राणेश्वर है आपसे असीम प्रेम करता है, वो भवसागर में डूबने नहीं देगा। आप गिरेंगे उसके पहले आकर के खड़ा हो जाएगा, आपका हाथ पकड़ लेगा। सबरी, संतोष, संतोष तो रखिए कि वो हर पल आपके साथ है, आपके हृदय मंदिर में रहता है। क्यों घबराते हैं कि पता नहीं ये हो जाएगा ये हो जाएगा? आप यह तो सोचिए जो कहता है, मैं लिखा है तुमको, एक बार करूँ मैं याद, 10 बार जी जी करूँ कर कर तुमको याद। जो आपके एक बार प्रेम से पुकारने पर 10 बार जी जी करता है, आपके हृदय में बैठा रहता है, आप उसको याद करें चाहे ना करें, हर पल आपकी परात्म के भी तन को देख रहा है, आपकी आत्मा के तन को देखने तो क्या, पहरेदार की तरह आपके हृदय में बैठा रहता है, हर पल आपकी चिंता करता है। आप सोए रहते हैं, वो देखता रहता है कि मेरी ब्रह्म सृष्टि का यत्न है, इसको कहीं सर्प न काट ले, बिच्छू न काट ले। जो नौकर भी नहीं कर सकता वो कर रहा है, आप उसके प्रेम का बदले का करोड़वां अंश भी नहीं दे सकते, फिर अहंकार किसके लिए कर रहे हैं? इसलिए 3 चीज़ें अपने अंदर अपनाइए, विनम्रता अर्थात अहंकार से रहित हो जाइए, किसी भी चीज़ का अहंकार न रखिए, शांति और संतोष, तो आपको राजी सब सुंदर साथ में सबसे अधिक शोभा देंगे। आप शोभा को भी भूल जाइए, आप शोभा के लिए कुछ न कीजिए, जो कीजिए राज्य की महिमा फैलाने के लिए कीजिए, राज्य की खुशी में ही अपनी खुशी समझिए। गोपियों को देखिए, निश्चल प्रेम है उनका, उनको इतना पता है कि हमारे कन्हा को किससे आनंद मिलना है, बस वो करना है, वो अपना लाभ हानि नहीं सोचती। आप तो मेहर सागर का 40 दिन गोटा पढ़ लेंगे तो बही खाता लेकर बैठ जाएंगे कि राज्य हमने 40 दिन तक आपके मेहर सागर का पाठ किया, आपने तो हमारी माया की कामना पूरी नहीं की। पाठ रखवाएंगे, उसमें हिसाब किताब लेते हैं। आपको राज्य से वास्तविक प्रेम नहीं है, 15 रुपये का नारियल चढ़ा देंगे तो हिसाब लेने बैठ जाते हैं, और राज्य आपके इस व्यापारी मन पर हंसते हैं कि इनको क्या कहें, ये तो परम धाम का प्रेम भूल बैठी हैं, ये परम धाम की आत्माएं तो दुनिया के जीवों से भी बदतर हो चुकी हैं। इसलिए यदि हम परम धाम के सुंदर साथ कहलाते हैं तो हम अपनी गरिमा का ख्याल रखें, यदि हम चितवनी के मार्ग पर चल पड़े हैं तो हम ये सोचें कि हमें कैसा आचरण करना है, हम ऐसा कोई कार्य न कर दें जिससे आने वाले समय में हमारे ऊपर धब्बा लग जाए कि क्या परम धाम के ब्रह्मणी ऐसे ही होते हैं। और परम धाम में जब योग माया का न्याय की लीला हो रही हो, हमारी आत्मा परात्म में जागृत हुई हो, तो वो दिन न आए जब हमारे तन को संबोधित करके दुनिया के जीव ये कह दें कि इन्होंने क्या कर दिखाया, हमने जो किया, हम बुद्ध जैसा त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तपश्चर्या नहीं कर पा रहे हैं, सुखदेव जैसे ब्रह्मचारी नहीं हो पा रहे हैं, हनुमान जैसे त्यागी नहीं हो पा रहे हैं। तो कम से कम कुछ कदम तो बढ़ाएं ताकि ब्रह्मवाणी को फैलाने में हम सहयोगी बन सके। हमारा यह त्याग परम धाम में हमेशा के लिए अखंड रहेगा। आप सोचते हैं कि हम कार्य तो कर रहे हैं, हमें कोई शाबाशी नहीं देता, शाबाशी दूसरों से क्यों लेना चाहते हैं? जो आपका है हर पल आपको शाबाशी दे रहा है, उसके लिए संगमरमर के पत्थर पर लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मंच पर बुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आंख मूंद कर अपना हृदय लुटाते चलिए, फिर देखिए आपके हृदय में आपका प्राणेश्वर मुस्कराते हुए मिलेगा। आपको माला फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परिक्रमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहर सागर के गोटे लेकर सिर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हर पल आपके साथ है। वो आपसे केवल आपका हृदय चाहता है, अहंकार की निवृत्ति चाहता है। आपको जो कुछ मिला है उस पर अहंग न कीजिए, अपना हृदय राज्य का मानिए और उस हृदय को सबके लिए लुटा दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ मेरी बातों को अंगीकार करेंगे, और इसमें भी किसी तरह के कट शब्दों का यदि प्रयोग हुआ है तो उसको गंभीरता से लेंगे। मेरा आशय सत्य को उजागर करना है, किसी का हृदय दुखाना नहीं। प्रणाम जी।